हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। बीच में 4-5 दिन का एक लंबा गैप आया, वीडियोस अपलोड नहीं हुए। रीजन वाइज वेदर का इतना ज्यादा अप एंड डाउन चल रहा है एंड इस अप एंड डाउन की वजह से हेल्थ इश्यूज भी आ ही जाते हैं। घर में बच्चे हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ। मैं तो वैसे भी सर्दी की माड़ी हूँ। सर्दी बाद में आती है, मुझे लगती पहले है। और अभी वेदर कैसा हो रहा है ना, एकदम से गर्मी कभी और एकदम से ठंड कभी। अभी भी लास्ट 2-3 दिन से वेदर कैसा चल रहा है ना, सुबह उठी देखा अच्छा लगता है आज तो धूप निकली है, थोड़ी देर बाद देखा धूप कहाँ गई, एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू। और यही कारण होता है आपके बीमार पड़ने का। बेबो को इन्फेक्शन हो गया, UTI हो गया, तो उसका मेडिकेशन चल रहा था, बट नाउ शी इज डूइंग मच बेटर। और अहाना को भी हल्का ये वेदर के वजह से ना कोल्ड हो गया। बाहर तो कहीं जा नहीं रहे, लेकिन भी वेदर चेंज होता है तो होगा ही, क्या कर सकते हैं। और मेरे को भी सेम वही, मेरे को वेदर चेंज होता है, जैसे सर्दियां आती है मेरा शुरू हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन वी आर परफेक्टली फाइन राइट नाउ। थोड़ा बहुत है जो ठीक हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर को भी दिखा लिया, डॉक्टर ने भी कहा ऑल क्लियर, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, तो बस ठीक है। और अभी आपने देखा बच्चे खेल रहे थे लूडो, इसने कहा मुझे लूडो चाहिए तो चाहिए, और मेरा था कि मैं मंगाऊंगी तो मेरे को एक पर्टिकुलर टाइप का लूडो मंगाना है तो मैं वही मंगाऊंगी, और वो पर्टिकुलर टाइप का लूडो मुझे मिल नहीं रहा, तो अब क्या करूं क्या करूं। और इसको था कि मुझे खेलना ही है, तो मैंने कहा कि ठीक है एक परफेक्ट सोल्यूशन निकालते हैं, मैं तुमको लूडो घर पे बना के देती हूँ। लूडो बनाया कहाँ, इसकी ड्राइंग बुक में, ड्राइंग बुक में पूरा का पूरा लूडो ही ड्रॉ कर दिया। अब लूडो तो ड्रॉ कर दिया, मम्मा इसकी गोटियां कहाँ से आएगी, उसका भी सोल्यूशन था मेरे पास। मेरे पास रखी थी ये कलरफुल बीड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ना अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के यूज के लिए लाई थी, लकीली ये मुझे चारों कलर की मिल गई, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू, चारों कलर की तो हो गई। और एक बार मैंने पता नहीं किस लिए कोई कुछ किया था, उसके लिए मैं एक डाइस लेके आई थी, तो ये डाइस भी मिल गया, तो इनका तो परफेक्ट लूडो का सोल्यूशन हो गया। क्यों बेबू, मजा आया था इस लूडो में? अच्छा लगा ना? ये हमारा कौन सा लूडो हो गया, हम लोग इसको कौन सा लूडो कहेंगे बोलो? ये ना पहले बेस्ट है, घर पर लूडो बन गया। हाँ, ये सुबह से ही भूली, मम्मा हमने मनी भी वेस्ट नहीं की और हमारा इतना अच्छा वाला लूडो बन गया। और बच्चा जब ऐसे खुश हो जाए ना, तो उससे अच्छा जिंदगी में शायद कुछ हो ही नहीं सकता। खैर, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, और तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं था शूट करूंगी, बट आज बेबो ने की बहुत सारी पढ़ाई, क्योंकि रिपब्लिक डे आ रहा था, तो मैंने सोचा बेबो को रिपब्लिक डे से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। और क्यों ना, नॉट ओनली रिपब्लिक डे, अपनी कंट्री से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को मालूम होनी चाहिए, तो मैंने आज इसको सब पढ़ाया। तो अब है उसका टेस्ट, मैं इसका टेस्ट लेने जा रही हूँ कि इसको कितना कुछ याद है। तो बेबो लूडो तो खेल लिया आज तूने, है ना, और अब थोड़ा सा तेरा टेस्ट हो जाए कि तेरे को क्या क्या आता है। ठीक है, रेडी? चल बता हमारा नेशनल एंथम। किसने लिखा जनगण मन? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी नाइस।
ओके हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? वेरी नाइस ओके हमारा नेशनल फ्लैग को क्या कहते हैं? ओके तिरंगा में कितने कलर्स होते हैं? सेफ्रन, व्हाइट, ग्रीन। ओके और तिरंगा में बीच में क्या होता है? अशोक चक्र। ठीक है अशोक चक्र का कलर ब्लू और उसमें कितनी लाइंस होती है? 24। गुड ओके अब तुम मुझे कुछ और चीजें बताओ जैसे हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। ओके नेशनल बर्ड? नेशनल फ्रूट? मैंगो। नेशनल वेजिटेबल? पंपकिन। गुड ओके नेशनल एनिमल? टाइगर। नेशनल हेरिटेज एनिमल? एलिफेंट। गुड ओके नाउ यू टेल मी नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन साका वेरी नाइस ओके और क्या पूछ सकती हूँ मैं तेरे से ये नेशनल करेंसी रुपीस गुड नेशनल रिवर नेशनल रिवर गसे नेशनल रिवर बताओ बताओ गंगा और नेशनल ट्री बनियन गुड और क्या होता है नेशनल गेम नहीं पता नेशनल गेम है कबड्डी मेरे ख्याल से कबड्डी है जितना मुझे पता है कबड्डी है वैसे ही और क्या पूछ सकती हूँ बीबू से अच्छा बीबू इतनी सारी चीजें तो तुमको पता है हमारी कंट्री के बारे में ठीक है अब मुझे ये बताओ 26 जनवरी को क्या होता है रिपब्लिक डे तुमको पता है रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ये इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं रिपब्लिक मतलब या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स वो हमारे फंडामेंटल राइट उस बेबू तुमको हमारे कंट्री की काफी सारी चीजों के बारे में पता है वेरी गुड तुमने लर्न की अब तुमको ये बताओ मुझे 26 जनवरी को क्या होता है रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे वेरी नाइस तुमको पता है रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है नहीं रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पता है ऐसे तो तुम इसको समझने के लिए बहुत छोटी हो लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन सेट होता है लॉज और प्रिंसिपल का जिसके बेस पर हमारी कंट्री चलती है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं 448 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और ये पता है किसने लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसने लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीम राव राव अंबेडकर अंबेडकर उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है और तुमको पता है दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी का है तो वो
इंडिया का है। सोचो कितनी बड़ी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का है? इंडिया का। इसीलिए तो कहते हैं मेरा भारत महान। बोलो मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। वी आर अ प्राउड इंडियन। वी ऑलवेज, हमको हमेशा एक इंडियन होने पे प्राउड फील करना चाहिए। हमको क्या फील करना चाहिए? प्राउड। प्राउड टू बी एन इंडियन। बोलो प्राउड टू बी एन इंडियन। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको भारत जैसे देश में रहने का मौका मिला, है ना? जहाँ पर कितने अलग अलग तरह की चीजें हैं। हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग के जो तीन कलर है, उन तीन कलर का भी मतलब है। उनको पता है? नहीं, मैं बताऊं उन तीनों कलर्स का मतलब? तो तुमको तीनों कलर्स के मतलब बताऊं? हाँ। देखो, जो सैफ्रन कलर है, सैफ्रन कलर इज फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। सैफ्रन कलर इज फॉर सैफ्रन फाइस करेज करेज एंड सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस। व्हाइट कलर इज फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी ट्रूथ एंड प्योरिटी। वेरी गुड। एंड ग्रीन कलर इज फॉर ग्रोथ एंड फर्टिलिटी ग्रोथ एंड फॉर फर्टिलिटी फर्टिलिटी। अच्छा, तुमको पता है हमारा नेशनल सिंबल क्या है? नेशनल सिंबल तुमको नहीं पता, बताऊं क्या है? जैसे इंडियन फ्लैग के बीच में अशोक चक्र होता है ना? हाँ। वैसे ही हमारा जो नेशनल सिंबल है उसको कहते हैं अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। तो हमारा जो अशोक स्तंभ है उसमें फोर लायंस के फेसेस होते हैं। ओके। तो और ये हमारा क्या है? नेशनल सिंबल अशोक स्तंभ। ओके। तो आज बेबू ने बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली। आई होप आप लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो और कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर मिली हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिख के बताओ बेबू ने अपना एग्जाम कैसा दिया। बेबू, मजा आया? हाँ। अब सोए? नींद आ रही है? अब बहुत जोर से नींद आ रही है ना? और अब बेबू का लूडो कैसा लगा ये तो आपने बताया ही नहीं, वो भी बता देना, ठीक है? कमेंट में लिख के। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।